हेलो एंड स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है रूम नंबर 9। जो ड्रामा जो है मिस्ट्री फैंटेसी पे बेस्ड है, जिसको कल के डेट में एमएक्स पे डाला गया, जिसको पूरी तरीके से देखकर खत्म करने के लिए आपको टोटल 16 एपिसोड देखने पड़ते हैं, वो भी 1 घंटे की अराउंड वाली। अगर बात करें जाए ड्रामे के अंदर स्टोरी, तो इसमें कहानी देखने मिलता है जंगवा सा, जो कि आज से 34 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर के केस में फंस जाती है। उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। अब एक दिन उससे एक लॉयर जेल के अंदर मिलने के लिए आती है, जिसका नाम होता है हेई। अब जो हेई काफी ज्यादा घमंडी और क्रूर है, जो कि अभी तक एक भी केस नहीं हारी। अब जिस रूम नंबर 9 में ये दोनों होते हैं, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसकी वजह से ये दोनों ही बेहोश हो जाती है। अब ऐसी क्या घटना घटती है, क्यों होता है, ये तो आप जब ड्रामा देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब जब जंगहुआसा को होश आता है, तो अपने आप को हेई के बॉडी में पाती है, यानी कि इन दोनों की जो सोल है वो आपस में एक्सचेंज हो चुकी होती है। तो बेसिकली हमें ड्रामे के अंदर यही देखना कि हुआ सा जो कि अब हेई के बॉडी में है, जो कि अब बाहर निकल चुके हैं, तो किस तरह से अपने आप को बेगुनाह साबित करती है, और क्या इनकी जो सोल है फिर कभी चेंज हो पाती है या फिर नहीं हो पाती, और हेई के बॉयफ्रेंड जो कि एक डॉक्टर है जिसे इस बारे में पता चलता है, तो क्या करता है। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको एमएक्स पे देखने मिलेगी। तो इस बार एमएक्स प्लेयर वालों ने जो ड्रामे के डबिंग है पहले से काफी ज्यादा बेहतर करी है। ड्रामे की कहानी अच्छी है, ड्रामा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है, जिसको बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट भी करा गया। अब देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि इस कॉन्सेप्ट पे आपने ऑलरेडी ड्रामे या फिर सीरीज वगैरह या फिर मूवी वगैरह नहीं देखी, मे भी हो सकता है आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो आपके लिए अच्छा है, आप इसको एंजॉय करोगे। अब जिस तरह का ड्रामे का कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से जो ड्रामे थ्रिल होना चाहिए, मिस्ट्री होना चाहिए, वो चीजें आपको कहीं ना कहीं मिसिंग सा लगता है। और जो ड्रामा है थोड़ा सा स्लो है, जिसके वजह से इसकी जो कई एपिसोड है उसकी जो लेंथ है आपको फील होंगी। और एक और चीज, ये जो ड्रामा है उन्हीं लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जो लोग फैंटेसी या फिर मर्डर मिस्ट्री वगैरह देखना पसंद करते हैं। और अगर तुम कॉमेडी रोमांसेस में ढूंढने वाले हो, तो इसमें तुम्हें वो चीजें देखने नहीं मिलेगी, तो तुम दूर रहो। तो अगर तुम्हें इस तरह के ड्रामे देखना पसंद है, तो तुम्हें ये एमएक्स पे हिंदी डबिंग के साथ देखने मिल जाएगी, तो जा करके चेकआउट कर सकते हो। बाकी तुम्हें हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें चैनल पे, और इसी तरह ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद।